नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बरनाला में आज मानदी पार्टी ने संगरूर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीतहेयर के पक्ष में चुनावी रैली का आयोजन किया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विशेष रूप से शामिल हुए। बता दें, मुख्यमंत्री मान ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस चुनावी सभा में पहले युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि विरोधियों पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा और संगरूर समेत पंजाब की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਮੀਤਹੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਤਹੇਅਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਤਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੜ੍ਹਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आप और बीजेपी ने जहां लुधियाना में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक लुधियाना में कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिसे लेकर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं आज लुधियाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के नेता इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का आप से समझौता हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य नेता भी पार्टी छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों, भारतीय जनता पार्टी के परिवार वालों कपिल जनेजा जी, जिन्होंने कपिल जनेजा जी ने जिहड़ी अज मोदी जी की सोच देख के, मोदी जी के काम देख के अज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी है। जो उन्होंने पिछले 10 साल के काम ने उन्हों देखते हुए ते अगे ते दूजी अज तक क्यों किसी पार्टी होर सीगे, क्योंकि अज तक बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़दी सी, कल्ली अकाली दल दे नाल इलेक्शन लड़दी सी। बठिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान आज उन्हें उनके ससुर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक तरह से उनके कवरिंग उम्मीदवार हुआ करते थे, उनके लिए बढ़ चढ़कर वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया करते थे। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने एक रैली के दौरान कहा कि वो दिल से अकाली हैं। इस पर बोलते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर वो दिल से अकाली हैं तो अकाली दल पार्टी में शामिल हों, गलत पार्टी में क्या कर रहे हैं। अकाली दल पार्टी भी उनका समर्थन सम्मान करती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
तो इको एक खेतरी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, बाकी जिन्ने ये बरसाती मेंढक निकल के आए ने, फसली बटेर आए ने, ये 15 साल पहले भी जेड़े जेड़े आंदे सी मुड़के कदे नजर नहीं आए, तो इन्होंने भी पहली तरीक तो बाद नजर नहीं आना। ये नौजवान भी समझ गए ने, ते बठिंडे पार्लियामेंट का हरेक इंसान भी समझ गए। सो अज इन्हां दे विच जोश है, जिहो जिहा जोश देखण नूं मिलिया मैनूं लगदा है कि जे अज ही वोटां हो जांदियां ते इन्हां ने बल्ले बल्ले अज ही कर देना। खबर पटियाला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने महारानी परनीत कौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। परनीत कौर पटियाला के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रही हैं, तो वहीं इस अभियान के दौरान उन्हें किसान संस्थानों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गुरु नानक नगर नलास रोड में हरविंदर भारद्वाज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि महारानी परनीत कौर विशेष रूप से पहुंची, लेकिन इससे पहले ही किसानों को इस कार्यक्रम की भनक लग गई, जिसके बाद भारतीय किसान मजदूर पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह घुमाना के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने महारानी परनीत कौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देखो, एक बहुत ही थम जो सारे हल्के नु देखते ने, भारद्वाज जी इन्हां दे बेटे भुवन इन्हां दे घरों सारे अज रले ने, और मेरे ख्याल च इन्हां दे मुखां दे नाल वोटां पैणियां ने इत्थों, और ये साडी शक्ति बन के इत्थे बीजेपी पार्टी नूं अगे लैके आउंदी। जिले पटियाले किन्ने को हंगारा मिल रहा है जी? बहुत वधिया हंगारा मिल गया। अमृतसर पंजाबी फिल्म विलेज स्कूल की स्टार कास्ट सचखंड हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर आशीर्वाद लिया और ईश्वर से भलाई की प्रार्थना की। इसके साथ ही भगवान का शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म 3 मई को रिलीज होने जा रही है, आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म सरकारी स्कूलों पर बनी है। सरकारी स्कूल दिन पर दिन बंद हो रहे हैं और माफिया प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे काबिल बच्चे बचे हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा या अच्छा संस्थान नहीं मिल पाता है। तो वहीं फिल्म के हीरो प्रीत हरपाल ने कहा कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਣਛੂਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨ ਉਬਰੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਐਂਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਜੋ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਅਮਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ।
अकाली दल के वीसी बिंग और जिला प्रधान मलकीत सिंह मथारू पर बस्सी पठाना में हमला हुआ। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह मथारू पर बस्सी पठाना के नामदेव मंदिर के पास कुछ अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मलकीत सिंह मथारू को पहले बस्सी पठाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। मेरे सिर ते राड़ा मारिया, कुट मार करी मिनट पता नहीं लगे कौन सी। मैं पता नहीं, मैंने कहने होर ला पंगे, मैं कहा मैं तो किसी ना पंगा ही लिया, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो मैंने ना जी हो जाई, फिर मेरे सिर ते डंडा मार दिया। तो मोड़ना सी दो सिख सी, मैंने पता नहीं जी मेरी किसी ने लग डॉटी नहीं। मैं तो प्रशासन अगे बेनती कर दी उ फिरोजपुर में एक युवक ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का पहली पत्नी से तलाक हो चुका था और 6 महीने बाद उसकी दूसरी शादी हुई थी और उसके ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। तो वही बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी और मोटरसाइकिल पर काम पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया और उसकी मोटरसाइकिल सरहन नहर पर मिली और पंजाबी में लिखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें मृतक ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जान देने की बात लिखी थी। वहीं थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक के ससुराल परिवार के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाजी सोरा तो तंग होके इन्हें कदम किया सर जी, सारे किया बाजी सोरा परिवार जी तंग बहुत करता से इन्हू विह भी दिन हुए थे तो इन्हें माता जी इन्हें है सस इनकी पहले ही आ गए थे लैके रात 12 बजे कुड़ी लैंदे थे दो तीन बजे चांस होए थे। हाँ जी हाँ जी वह कहने कुड़ी है मैं तोड़ी नहीं कुड़ी मैं तलाक लेना वा बाजी उन्हें बस उन्हें सोरे मतलब लिखा कि उन्हें मतलब कि क्या कि जब मैं हम मरन का दोषी हाँ तो मैं सोरे परिवार ही है सारे ये साढ़े को परमिशन आई सी भी नहर की परली एक मोटरसाइकिल वगैरह खड़ा है जिदा भी शाका भी इन्हें कहते नहर के छाल वगैरह मारी है तो उसके असी ये रापट लिख के आपकी असी आपकी उन्होंने कहा कि जब तक डेड बॉडी नहीं सानू कोई मिलती हो सकता भी कई बार हों बंदा मोटरसाइकिल ठलता बंदा आसे पासे हो जाए असी परचा दर्ज नहीं कर सकते मौके पे असी वो अगर परचा दर्ज कर चुके हैं तो बाकी अगली जी इन्वेस्टिगेशन हो जा रही है। कुछ उत्थे मिले कोई सुसाइड भी मिले? हाँ जी एक सुसाइड नोट है जी ते ओदा मोटरसाइकिल वगैरह है। नौबत इन्हें सहुरे वालों बहुत परेशान किया जा रहा है पर इन्ने बंदे ने सानू दिल च रखी पर सानू दस्या नहीं असी इन्हें एक दो बारी खड़े जी नाल जरूर पर इस बंदे ने सानू इन्ना नहीं पता जी इन्हू रात को अद्धी रात आन के आदि कुड़ी नू लै जांदे सी भूआ नू भी कुट के मार के गए जी 5-7 जने बंदे आए सी ते कुट मार के आदि धी नू लै गए। इन्होंने कोशिश की जी कि नहीं असी आदि धी एक भी तुसी व्याहती आ असी आदे घरे रखांगे साडी नौ इस घर दी तुसी इस चीज़ का खेड बना ली आ कि कदे लै गए कदे छड गए जी। ते इन्हां ने जी सहुरा परिवार नू बहुत तंग परेशान करता सीगा जी उन्होंने तंग परेशान करके उन्होंने सुसाइड का नोट लिख के ते उन्होंने घर कितनी देर कितने व्याह सीगा ये तुंबड़ भन व्याह होया सीगा जी। कितनी देर पहला व्याह ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹੀਂ 2-3 ਨਰੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ 2-3 ਨਰੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। जालंधर पुलिस ने शहर में अलग अलग जगहों पर स्पेशल नाके लगाकर 50 से ज्यादा बुलेट को जब्त किया है। जिस भी बुलेट में अलग से मैकेनिकल एक्टिविटी दिखाई दी उन सभी पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो मैकेनिक
ये काम करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीसीपी आदित्य ने बताया कि जिन बुलेट मोटरसाइकिल को मैकेनिकल चेंज किया हुआ था उन सभी पर सख्त कार्रवाई की गई है। साउंड से रिलेटेड इक्विपमेंट जिस भी व्हीकल में पाया गया उस पर कार्रवाई की गई है। माननीय कमिश्नर साहब की जी डायरेक्शन कि जड़े बुलेट मोटरसाइकिल या जड़ा भी व्हीकल जिथे मैकेनिकली चेंज किया गया है और टेक्निकली जो साउंड तो रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट अगर किथे भी किसी भी व्हीकल से पाया जाता है तो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध जो है दोनों जोनस के 14 थाने इनकलूडिंग ट्रैफिक जड़े सारी विंग ने अलग अलग थावां ते शहर से 2 घंटे प्रॉपर नाकेबंदी की है। खबर होशियारपुर से है जहां दसूहा अफजुला के गांव बैबोवाल चनिया में खेतों में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक गुरजोत सिंह पुत्र यादविंदर सिंह निवासी गांव बैबोवाल चनिया का था जिसकी उम्र महज 16 साल थी और वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। खबर होशियारपुर से है जहां एक ट्रैक्टर पलट गया, हादसे में 11वीं कक्षा के युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चे की उम्र महज 16 साल थी। हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। तस्वीरें होशियारपुर से जहां ट्रैक्टर पलटने से एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चा मात्र 16 साल का था और वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ट्रैक्टर पलटने से बच्चे की जान चली गई। मामले की सूचना परिजनों को मिली जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। होशियारपुर से दर्दनाक हादसे की खबर है जहां एक ट्रैक्टर पलटने से 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में शोक की लहर है, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। खबर संगरूर से है जहां संगरूर जेल हत्याकांड की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल अधीक्षक समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 10 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 अप्रैल को संगरूर जेल में झड़प हुई थी जिसमें 2 कैदी मोहम्मद हरीश और धर्मेंद्र की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए थे। घायल गंगदीप और सहबाज का सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर संगरूर से है जहां पिछले दिनों जेल में हुई झड़प को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आई है। मामले को लेकर 10 कैदियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वहीं कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जेल अधीक्षक पर भी कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। 10 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सानू जेल अथोराइज जो पता लगया सर असी नाल दे नाल उत्थे रश कीते, रश करके सारिया चीजा नू सर अंडर कंट्रोल रहा। ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੋ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। 4 ਸਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CCTV ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। खबर जालंधर से है जहां कमिश्नरेट पुलिस ने गोंडर ग्रुप के खूंखार गैंगस्टर को हथियारों और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि गैंगस्टर के खिलाफ पहले से ही 14 मामले लंबित हैं और वो हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और कई संगठित अपराधों में शामिल है।
इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्की गोंडर गिरोह का एक गैंगस्टर शहर में सक्रिय है और जालंधर और अन्य शहरों में अवैध हथियारों की सप्लाई सहित कई अपराधों में शामिल है। स्वप्न शर्मा ने बताया कि उक्त व्यक्ति भी एक भगोड़ा अपराधी था जो इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर और भी अपराध करने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से एक 32 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन और 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। खबर जालंधर से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खूंखार गैंगस्टर के गुर्दे को गिरफ्त में लिया है। इसके साथ ही बदमाश के पास से हेरोइन के साथ हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी के ऊपर अन्य भी संगठित मामले दर्ज हैं। जालंधर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने कुख्यात गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर के खिलाफ 14 संगठित मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और हेरोइन भी बरामद किया है। ये सुरेंद्र है एक व्यक्ति जी, ते स्पेशल सेल दी टीम काफी दिनों तो लगी सी कि नाते पिछे काफी टाइम जिवे सानू इनफॉरमेशन आई इनू नैप कर लिया गया है। ते 3 केसेस च पीओ है, वांटेड सीगा जी है। 15 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अगेंस्ट। 7 केसेस जड़े अटेम्प्ट टू मर्डर दे, डिकोइटी, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट। ते जड़ा कैटेगरी ए गैंगस्टर है पाणा, जेल च बंद है, उदा ए राइट हैंड मैन सीगा ते उदा साथी है। पाणा गोंडर जड़ा है वो गैंग दा ए एसोसिएट सीगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।